आज पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह राजनांदगांव के दौरे पर रहे। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने आम लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्या सुनी, फिर भाजपा कार्यकर्ताओं से बात की। वहीं इसके बाद वैष्णव समाज के भवन का उद्घाटन किया और आखिरी कार्यक्रम में नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम एक पेड़ माँ के नाम की कार्यक्रम में पहुंचे और पेड़ भी लगाया और पेड़ का वितरण भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम प्रधानमंत्री मोदी का एक सबसे बड़ा कार्यक्रम है, एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है जिसके द्वारा भारत की जलवायु में सुधार होगा और वातावरण में भी सुधार आएगा। स्वास्थ्य वातावरण में आम आदमी भी स्वस्थ रहेंगे। भवन था और बहुत अच्छा भवन था और बहुत समाज के अंदर खुशी थी और वो आज लोकार्पण हुआ है। वैष्णव समाज राजनांदगांव का महत्वपूर्ण समाज है और वैष्णव समाज के राजा ही हुए और घासीदास जी ने तो राजनांदगांव को ही पहचान पूरे देश में दी। आज यदि रायपुर का संग्रहालय है तो घासीदास जी के नाम से है, रेलवे यदि राजनांदगांव में है तो राजा के नाम से है, स्टेडियम है तो दिग्विजय जी के नाम से, महाविद्यालय है तो उनके नाम से, बीएनसी मिल बना तो उनके प्रयास से, तो चौमुखी विकास में यहाँ के राजाओं को, वैष्णव राजाओं को बहुत बड़ा योगदान था और बड़े प्रोग्रेसिव थे।